हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी फ्रेंड्स आपको कोई मैसेज करता है व्हाट्सएप पर या फिर कोई इमेजेस सेंड करता है और वो उसको डिलीट कर देता है, तो उससे क्या होता है कि आप उस मैसेज को या फिर इमेजेस को देख नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिलीट हुए मैसेज या फिर इमेजेस को किस तरह से आप रिकवर कर सकते हैं, किस तरह से आप देख सकते हैं, साथ ही काफ़ी सारे इसके फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक के देखते रहिएगा। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं फन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आई टेक सॉफ्ट टेक। सो विदाउट एनी मिस मोर टाइम लेट गेट स्टार्ट। सो चलिए गाइस स्वागत है। देखिए आपको करना क्या है, मान लीजिए अगर आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी पर्सन आपको एक मैसेज करता है या फिर कोई इमेज सेंड करता है व्हाट्सएप पर और वो उसको डिलीट कर देता है, जिससे कि आप उस मैसेज को या फिर इमेज को देख नहीं पाते हैं, तो किस तरह से देखेंगे उस इमेज को या किस तरह से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा और साथ ही देखेंगे इसके और भी फीचर्स किस तरह से काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और उस लिंक पर जाकर आप उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मैंने पहले से इंस्टॉल की है, उसके बाद कुछ परमिशन है जिसको आपको इनेबल करनी होगी, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और कुछ जो परमिशन है उसको इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको एग्री कर देता हूँ, ग्रैंड परमिशन है, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करना होगा, ये हो चुका है, अब नेक्स्ट परमिशन है, इसको भी जो है आप नोटिफिकेशन को इनेबल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ये पहले से मैंने इंस्टॉल कर चेक करी थी, तो यहाँ पर ऑलरेडी इनेबल, अगर यहाँ पर आप डिसेबल है तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं ऑटो रिकवर को। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर अलाउ बैटरी को भी यहाँ पर इनेबल करेंगे, तो ये भी मेरे से यहाँ पर जो है लगभग पहले से मैंने करी हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर आप इसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी जो ऐप है वो कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब देखिए आप करना क्या है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है चैट्स, मीडिया और मोर टूल्स। यहाँ पर काफ़ी जो है आपको यहाँ पर टूल्स के अंदर फीचर्स मिल जाएंगे। तो अब आपको क्या करना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको करना यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी है, नो चैट्स अवेलेबल क्योंकि मैसेज विल नॉट बी रिकवर और सो इफ़ यू डिड नॉट इनेबल नोटिफिकेशन, यानी कि अगर यहाँ पर अगर आपके पास मैसेज शो नहीं हो रहे हैं तो आपको चेक करना है। यहाँ पर जाएंगे आप साइड मेनू में और यहाँ आप देख सकते हैं हाउ टू यूज़ इनेबल डिसेबल, यानी कि नोटिफिकेशन आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो मैसेज आपको शो नहीं होते हैं डिलीट हुए, ठीक है, तो यहाँ पर इसे इनेबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर डिसेबल कर दिया तो यहाँ पर जो है ये वर्क नहीं करेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ इस चीज़ को पहले से ही चेक कर लें। तो मैं अपने जो यहाँ पर एक मैसेज सेंड कर लेता हूँ दूसरे फ़ोन से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो है काम करती है एप्लीकेशन। तो मैं एक मैसेज करता हूँ और फिर उसको जो है डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक मैसेज किया है अपने दूसरे फ़ोन से और यहाँ पर देखिए मैसेज भी ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है व्हाट्सएप पर, लेकिन मैं उस मैसेज को यहाँ से अपने दूसरे फ़ोन से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऊपर नोटिफिकेशन भी आ गया है डिलीटेड मैसेज डिटेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे अपने व्हाट्सएप पर जाकर कि मैसेज यहाँ पर हमारे पर हमें दिखता है या फिर नहीं शो होता है या नहीं, आप देख सकते हैं मैसेज डिलीट हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है ऑटो रिकवर टूल्स को, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है डिलीट हुए का। उसके बाद ओपन करेंगे और यहाँ देख सकते हैं चैट्स के अंदर यानी कि माय डूड, ये मैसेज जो है ये हमारा डिलीट हुआ था और यहाँ आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई भी पर्सन आपको मैसेज करता है तो यहाँ चैट्स के अंदर जो है आपको काफ़ी सारे मैसेज शो होंगे नोटिफिकेशन से आए हुए और डिलीट हुए मैसेज भी यहाँ पर आपको शो होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस मीडिया की, अगर कोई भी फ्रेंड्स आपको इमेजेस सेंड करता है और फिर उसको जो है डिलीट कर देता है तो वो भी जो आप यहाँ पे इसको बहुत आसानी से जो है रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए इमेज भी चेक कर लेते हैं, मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने दूसरे फ़ोन में और इसको जो है यहाँ से भेज देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको इस इमेजेस को जो है मैं डिलीट करूँगा, ये मैं अपने दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ, उस दूसरे फ़ोन की स्क्रीन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक ही स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे गाइस, आपको बता दूँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो हूँ डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं डिलीट कर दिया है डिलीट फॉर एवरीवन। अब आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में जैसे कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा डिलीट हुए का, उसके बाद हम देखेंगे कि फाइल डिलीट, ये देखिए
यहाँ पर डिलीट मैसेज डिटेक्ट आ चुका है। अब हम मैसेज के अंदर जाएंगे अपने व्हाट्सएप के, पहले हम देखेंगे कि मैसेज डिलीट हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं दिस मैसेज वॉट डिलीटेड, ये मैसेज जो हमने इमेजेस सेंड करी थी ये भी हमने डिलीट करी, यहाँ पर हम इसे नहीं देख सकते हैं। अब इसको देखने के लिए क्या करना, फिर से ऑटो रिकवर टूल्स में जाएंगे और ऑटो रिकवर टूल्स के अंदर जाने के बाद आप मीडिया के अंदर जाएंगे, मीडिया के अंदर आप जाने के बाद देख सकते हैं ये इमेजेस हमारी आ गई है, यानी कि जो कैबिनेट है और ये पहले से मैंने चेक किया था एक इमेजेस और ये कैबिनेट है, ये मैंने जो सेंड किया था अपने दूसरे फ़ोन से यहाँ पर ये रिकवर हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। आप मैसेज भी रिकवर कर सकते हैं, आप इमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं। अब साथ ही चलिए देख लेते हैं और भी इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं। गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर कोई फ्रेंड्स आपको मैसेज सेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लू टिक या फिर उसको ना पता चले, हाइड हो जाए ब्लू टिक, तो आप यहाँ पर सीधा कोई भी मैसेज करता है तो अपने व्हाट्सएप में ना जा करके आप ऑटो रिकवर टूल्स में जाएंगे और यहाँ से अपने मैसेज को रीड कर सकते हैं, ठीक है। जिससे उसको सामने वाले को यानी कि आपके फ्रेंड्स को या फिर किसी भी पर्सन को नहीं पता चलेगा कि आपने जो है मैसेज रीड कर लिया है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं मीडिया के अंदर जाकर, मीडिया के लिए मैंने आपको बता दिया है और चैट्स के लिए मैंने आपको बता दिया है। गाइस एक बार मैं और बता दूं आपको, अगर मीडिया में अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आपको डिलीट करता है सामने वाला फ्रेंड्स और आपके फोटोज़ नहीं आते यहाँ पर, तो अपने व्हाट्सएप में जा करके मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा नीचे, आप अपने व्हाट्सएप में जाकर, मैं चलिए दिखा देता हूँ। अब व्हाट्सएप में जाने के बाद आप उसको जो इनेबल कर सकते हैं, जो मीडिया फोटो डाउनलोड होता है फोटोज़ उसको जो आप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि वो इनेबल करेंगे तभी आपका जो ये काम अच्छे से काम कर पाएगा, ठीक है। तो जल्दी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप जाएंगे थ्री डॉट्स पर और थ्री डॉट्स पर सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे डेटा एंड स्टोरेज यूसेज पर, फिर यह देखेंगे मीडिया ऑटो डाउनलोड पर। तो जैसे कि मैंने टिक किया है, ठीक है, फोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स आप सब पर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है सिर्फ फोटोज़ की, क्योंकि कोई भी फ्रेंड्स आपको भेजेगा तो ऑटो तुरंत ये जो है ऑटो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चेक कर लेना है कि अगर यहाँ पर टिक नहीं है तो आप इसको टिक कर लें, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, आप देख लेते हैं मोर टूल्स पर। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही आपको मिलता है यहाँ पर स्टेटस सेवर, यानी कि स्टेटस डाउनलोडर, देख लेते हैं कैसे। स्टेटस सेवर पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस और पिक्चर। यहाँ पर आप क्या करते हैं, किसी भी पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, यानी कि डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड्स के साथ, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से अपने स्टेटस पर भी आप किसी के भी स्टेटस को आप लगा सकते हैं। और ऐसे ही सेम चीज़ें यहाँ पर आप वीडियो को भी ऐसे ही कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी वीडियोस स्टेटस मेरे पास नहीं है, किसी ने नहीं सेंड किया है तो यहाँ पर नहीं शो रहा है। अब बात करते हैं गाइस एक नेक्स्ट फीचर के बारे में इसके, कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को भी बिना नंबर सेव किए आप मैसेज करना चाहते हैं, यानी कि व्हाट्सअप मैसेज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आपको किसी भी पर्सन को अगर आप मैसेज करते हैं तो उसका पहले नंबर आपको सेव करना होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको टेम्परेली मैसेज करना है कि आप नहीं चाहते हैं कि उसका नंबर अपने फ़ोन के अंदर सेव करना, तो आपको ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप डायरेक्ट चैट पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर जैसे कि ले लेता हूँ, जैसे कि कोई व्हाट्सअप पर नंबर है तो मैं यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही नंबर डालूंगा मैं, तो यहाँ पर हाई लिखेंगे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये डायरेक्टली जो है वहाँ पर हमारा पूछा देगा, आप डायरेक्टली जो है मैसेज यहाँ से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ और मैं डुअल व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ से व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप डायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है पूछा दिया है वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप हाई लिखेंगे तो ये हमारा मैसेज पहुँच सकता है। इसी तरह से आप यहाँ पर जो है कोई भी मैसेज या कोई भी पिक्चर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर आपके लिए होने वाला है, क्योंकि मोस्टली सभी के लिए यूजेबल होता है ये। चलिए अब नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं गाइस। नेक्स्ट फीचर हमारा ये है कि क्विक रिप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ से रिकवर्ड मैसेज, यानी कि आप यहाँ से भी जो है उसी रिकवर्ड मैसेज पर आप जा सकते हैं। ये हमारे चैट है, ये हमारे मीडिया है, ठीक है, यहाँ से भी आप इसको पहुँच सकते हैं। अब ब्लैंक मैसेज की बात करते हैं गाइस। अगर आप फनी करना चाहते हैं किसी के साथ या फिर ब्लैंक मैसेज करना चाहते हैं किसी पर्सन को, तो आप फन करने के लिए आप यहाँ से ब्लैंक मैसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इस एप्लीकेशन को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे शेयर पर और एप्लीकेशन को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज पर कहीं भी आप इसको जो है आसानी से शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इंस्टॉल करना चाहते हैं इस ऐप को तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आई टेक्स ऑफ टेक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।